हरिओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह का पोंचू बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह का पोंचू बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पोंचू जो मैं बना रही हूँ, ये मैं 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। अगर आप 0 के लिए बनाना चाहते हैं तो 10 चैन लें, और ये मैंने 3 से 4 नंबर के गोपाल जी के लिए 14 चैन ले रखी हैं। इस तरह से चैन डालने के बाद 14, और इसको हम अब इस तरह से फर्स्ट चैन में जाकर यहाँ पर ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करने के बाद अब हमारी जो ये नेक्स्ट चैन है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से अब हम पहले यहाँ पर 1 2 3 चैन ले लेंगे, और नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ही चैन में देखिए पहले हम 2 बार बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी ही चैन में जाकर 2 बार, और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, फिर चैन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही होल में बनाने हैं। और नेक्स्ट में अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 14 चैन ली हैं, तो जो हमारी 7 चैन होंगी वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जाकर अब हम 8 नंबर की जो चैन होगी उसमें हम इस तरह से बनाएंगे। तो मैं इस तरह से 7 बना लूँगी, 6 बनाऊँगी, क्योंकि एक 7 ये हमारा ये फर्स्ट ये गिना जाएगा। इसके बाद मैं 6 और डबल क्रोशे इस तरह से बना लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं 6 डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं आगे, और अब हम नेक्स्ट ये देखिए चैन में जाएंगे। नेक्स्ट चैन में जाकर अब हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे इस तरह से, और ये देखिए अब फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारे जो ये नेक्स्ट चैनें बची हैं, अब यहाँ पर हमने देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बनाया है ना पंख बनाने के बाद, तो यहाँ पर भी हमारी ये 5 टाइम हम बनाएंगे। यहाँ पे एक हमारा ये होगा, तो यहाँ पर अब हम देखिए 1 2 3 4 5 हमारी ये चैनें हैं, इस चैन में अब हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए 4 और ये 5, ठीक है, देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाए हमने, और ये हमारी ये चैन है जो हमने ये पहली 3 चैन बनाई थी उसके फर्स्ट वाली चैन में जाके इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा वी शेप में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, और अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम 3 चैन लेंगे, और जो ये हमारा नेक्स्ट वाला यहाँ पर होल है, ये देखिए ये जो यहाँ पर इस होल में अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक, और अब हमारा जो ये बना हुआ है देखिए यहाँ पर पंख सा, इसमें हम अब बीच में जाएंगे, यहाँ पर होल में इसमें नहीं जाएंगे, नेक्स्ट ये देखिए 2 है ना जो इनको छोड़ना है, इसके नेक्स्ट में यहाँ पर जाकर अब हम यहाँ पर भी वही करेंगे जैसे पहले किया है,
दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चैन बनाएंगे और फिर दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बना लिया। और नेक्स्ट में अब हमने ये दो डबल क्रोशिया को छोड़कर और यहाँ पर होल में जाना है लूप में, इस लूप में जाकर फिर से दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने सभी जगह दो दो डबल क्रोशिया को छोड़कर नेक्स्ट के जो लूप है वहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से अब हम सारी रो में करेंगे। सिर्फ जो ये हमारा यहाँ पर देखिए, हमने ये दो डबल क्रोशिए और एक चैन बनाई है यहाँ पर, बस हमने यहाँ पर दो डबल क्रोशिए चैन, दो डबल क्रोशिए बनाने हैं। और नेक्स्ट हम सब जगह ये दो दो डबल क्रोशियो को छोड़कर इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एवरी लूप में दो दो बार। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम जाकर ये जो हमने एक तीन चैन का डबल क्रोशिया बनाया था इसी के साथ ही एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, ये देखिए, और इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब हमारी एवरी लूप में दो दो बार डबल क्रोशिया हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे, ये देखिए, ठीक है, स्लिप स्टिच करेंगे एक बार और, ये इस तरह से। और अब हमने इस होल में जाना है, ये जो हमारा पंख बना है ना, इस पंख के ये पहले वाले लूप में जाएंगे और इसमें भी हम इस तरह से अब डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार एक ही लूप में, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर हमने वही करना है जो हम लास्ट में करते आए हैं, और हमें लास्ट की रो तक इसी तरह से इस जगह को हमने बनाते जाना है एक चैन डाल के, ठीक है। इस तरह से हमने इसका ये डबल क्रोशिया बना लिया। और नेक्स्ट में फिर हम ये लूप आएगा हमारा, इस लूप में भी दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे सभी दो डबल क्रोशियों के बाद ये लूप आ रहे हैं, इन लूप में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और देखिए अब जो ये हमारा यहाँ पे एक पंख शुरू से जो आ रहा है, उस पंख को हम उसी तरह से बनाते जाएंगे, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अब हमें जितनी भी रो बनानी है, चार या पांच, उतनी आप अपने कोडिंग बना ले अपने कान्हा जी के। अब हम देखिए अगले नेक्स्ट ये दो डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले लूप में इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने स्ट्रिप स्टिच किया था इधर गए थे, इसके जहाँ पर जो ये होल है ये देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से अब हम ये देखिए इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा दो दो बार डबल क्रोशिया होता जाएगा। अब हमने इस जगह पे देखिए फिर से वही ये रो बनानी है, सभी में मैंने अब इस तरह से ही बनाते जाना है जैसे हमने लास्ट में बनाया है। ये देखिए, ये मैंने दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर बनाएंगे और बीच में चैन बनाएंगे, और इसी तरह से मैं पांच रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए चैन ली हमने और इस तरह से बनाते जाएंगे जैसे हमने लास्ट में बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसकी फाइव रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ से ग्रीन कलर को लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से ग्रीन कलर को ऐड किया हमने। अब हम एवरी चैन में सिंगल इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे, ये देखिए। तो इस तरह से अब मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी, ये देखिए,
बस सेंटर में आके हमने देखिए दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे पंख सा बना हुआ है ऊपर से देखिए एक ही लाइन आ रही होगी, इसमें हमने यहाँ पर दो बार हाफ क्रोशिया बनाया इस तरह से और एक चैन बनाई, फिर हम दो बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे और एवरी चैन में इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे और सेम जैसे हमने यहाँ पर किया है ऐसे ही हम इस तरफ कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारी रो आ रही है ना सेंटर वाली, ये देखिए ये जो हमारी सेंटर वाली रो आ रही है, इस रो के यहाँ पर दो हमने हाफ क्रोशिया बनाने हैं, फिर चैन बनानी है, फिर दो हाफ क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से अब मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करके कनेक्ट करना है और इस ग्रीन धागे को बड़ा करके कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया है, अब हम इधर ये देखिए इस चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और नेक्स्ट कलर को लगा लेंगे, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमें इसका धागे को इसमें से निकाल लूँगी मैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और अब हम तीन बार इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए मैंने तीन बार हाफ क्रोशिया बनाया और फोर्थ बार जो हाफ क्रोशिया बनाऊंगी उसमें देखिए मैं कैसे करूंगी, एक ही लूप में ये देखिए दो बार मैंने हाफ क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन बनाई और इसी तरह से यहाँ पर दो बार और हाफ क्रोशिया बना लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और नेक्स्ट में फिर से मैं एक बार दो बार और तीन बार इस तरह से तीन बार हाफ क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये तो हमारी सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर तो हमें करना ही इसी तरह से ही है, दो हाफ क्रोशिया बनाए, एक चैन ली और फिर दो हाफ क्रोशिया बनाए, ये देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में हम दोबारा से तीन बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से एक एक चैन में हम तीन बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से एक ही चैन में दो बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन बनाएंगे, फिर दो बार हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा, तो मैं इसको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमने तीन चैन बनाई थी और ये देखिए यहाँ पर हमारा ये देखिए यहाँ पर हाफ क्रोशिया चैन हाफ क्रोशिया और हमारे यहाँ पे नेक्स्ट दो बार आया है। तो अब हम यहाँ थर्ड वाले में ये देखिए इसमें जाकर इस तरह से दो बार हाफ क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक चैन और फिर यहाँ पे हमने एक बार और हाफ क्रोशिया बनाया और एक ये हमारी चैन है पड़ी इसमें, अब हम ये देखिए ये जो हमारी चैन है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो हमारा चैन है इसमें स्लिप स्टिच करके और एक चैन लगाकर और इसको मैं धागे को बड़ा करके कट कर दूंगी और इस तरह से ये हमारा कि इस तरह से हमारा एक पोंचू कुछ इस तरह से बन गया है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक पैच बनाएंगे इस पर लगाने के लिए, तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ पैच। ये देखिए इस तरह से हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे, देखिए दोबारा से दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये देखिए धागे को लपेट लेना है और इस तरह से करना है फिर, और धागे को अब हम इस तरह से पकड़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए एक दो तीन चैन बनाएंगे और इसी मैजिक रिंग में तीन बार हम पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया हमने तीन बार और अब हमने सिंगल इस तरह से ये देखिए स्लिप स्टिच करते हैं, ठीक है।
और इसके बाद फिर हम तीन बार इस तरह से, ये देखिए, डबल क्रोशिया बना लेंगे तीन बार, और फिर हम एक स्लिप स्टिच की तरह इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। और फिर हम दोबारा से तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक बार, दो, और ये तीन, ये देखिए, ठीक। इस तरह से हमने इसे कर लिया। और फिर हम यहाँ पे एक स्लिप नोट फिर दोबारा से लगा लेंगे, ये देखिए, इस तरह से लगाना है हमें स्लिप नोट को, ये देखिए, धागा लिया और यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर देंगे। और अब अगर आप फ्लावर बनाना चाहते हैं तो यही पैटर्न आप पांच बार यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका ये फ्लावर बन जाएगा। और इससे देखिए अब हम खींचेंगे और ये देखिए, ये छोटा सा एक फ्लावर बन गया थ्री पेटल का, है ना। और अब हम इस धागे को एक चैन लेकर कट कर देंगे और इसको मैं एक मोती लगाकर इसके साइड में लगा लूँगी, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने क्रोशे से इस धागे को इस, देखिए, यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इन दोनों को नोट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बिल्कुल साइड में लगाया है और एक मैं इसके बीच में ये पर्ल डाल रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर। और इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं सेट कर लूँगी और इसे लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स। इसकी जो ये दो पेटल थोड़ी अलग सी दिखाई दे रही होंगी बिखरी हुई, इसको हम सुई धागे से, ये देखिए, यहाँ से और ये यहाँ से इस तरह से इकट्ठा करके नोट लगा लेंगे अब। और इसको धागे को मैं कट कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा तीन से चार नंबर का पोंचू बनकर रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको छोटा बनाना है तो दो चैन को कम कर लीजिए, अगर इससे भी बड़ा बनाना है, जैसे आपका साइज बढ़ता जाता है वैसे आप गले के चैन्स बढ़ाते जाएं और इसी तरह से हाफ में डिवाइड कर ले और सेम इसी पैटर्न से बनाते हुए जितना मर्जी इसको आप लंबा कर लें अपने कान्हा जी की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये पोंचू ज़रूर पसंद आया होगा मेरा, मैंने जो आप लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा। थैंक यू।